नवरात्रे चल रहे हैं और आज सातवां नवरात्रा है, और जैसे कल रात को आपने देखा होगा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कल ये जो शिव शक्ति मंदिर है मुट्ठी में, ठीक डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के दफ्तर से थोड़ा सा ऊपर ये मंदिर है, यहाँ पर इस मंदिर का एक नया पोर्शन उस तरफ बना था और ये ऑलरेडी पुराना प्रांगण था, इसको भी तोड़ दिया और इसके साथ में उस साइड को भी तोड़ा है। और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि ये अतिक्रमण था, ये जबरदस्ती कब्जा था, इसके चलते जो है कार्रवाई की गई है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर ये कार्रवाई करनी भी थी तो नवरात्रों के खत्म होने के बाद करनी थी। अखंड ज्योत यहाँ पे जलाई गई थी, उस अखंड ज्योत के चलते इंतजार करना चाहिए था, नवरात्र खत्म होते रामनवमी के बाद भी सरकार ये कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन सुबह से यहां पर ये रास्ता बंद कर दिया है प्रदर्शनकारियों ने, ये आप देख सकते हैं सामने कि यहां टायर भी जले हैं, रास्ता बंद कर दिया है। और इस समय 12:15 बजे का टाइम है, लेकिन प्रशासन से अभी तक कोई भी आदमी यहां पर नहीं आया है इन प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए। मांग साफ तौर पर है कि जिन अधिकारियों ने ये काम किया है, ये कृत्य किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो तोड़ा गया है उसे दोबारा से उसी तरीके से बनाया जाना चाहिए, डिपार्टमेंट इसको रिपेयर करेगा। सर मेरी बात सुनो, बेस देख लो रोड की कहां जा रही है, अगर तोड़ना था तो पीछे जाने की क्या जरूरत थी, बेस ये बना था, आप तोड़ते, ये फ्रंट में कोई वो नहीं था, कब्जा नहीं था। मेरे साथ यहाँ के कॉर्पोरेटर भी हैं, मुझे ये बताइएगा बादल साहब की जो मैंने सुना कि यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर कुर्सियां भी लगवाई हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर लाइटें भी लगवाई हैं और सोलर लाइटें लगाई हैं। उसके साथ में जब ये परिसर मंदिर का बन रहा था तो उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब जब ये बन गया और छठा नवरात्रा है, आप नवरात्रे के समय में आते हैं और ये कार्रवाई करते हैं। ऐसा है कि कल 2 बजे मुझे इत्तला मिलती है कि मंदिर जो है ये तोड़ दिया गया है, तो मैं यहाँ आया तो यहाँ वो लोग तोड़ रहे थे, मैंने उनको रुकवाया और तहसीलदार जो JDA का था उसको मैंने बुलाया कि फौरन यहाँ आओ। तहसीलदार आया, तहसीलदार ने मैंने उसको बोला तहसीलदार को कि ये जो हमारा 3 महीने तो इस मंदिर का काम चलता रहा है, 30 साल का 40 साल का ये मंदिर बना हुआ है, अब क्या हुआ कि यहाँ फ्लड आया था बरसात में तो ये बह गया था, तो हमने फिर इन लोगों से, ये जो मोहल्ले वाले लोग हैं या और दूसरे जहां जहां भी जिसका था, उसे एक एक पैसा करके इस मंदिर को दोबारा फिर खड़ा किया और अच्छा खड़ा किया। आज भी देख सकते हो आप जो खड़ा है कि किस तरीके का मंदिर है, तो खड़ा करने के बाद 3 महीने इस मंदिर का काम चलता रहा, लेकिन आपने कभी हमें ये नहीं बात कही कि भाई नहीं इसको बंद करो या हमें रोड चाहिए या हमें ये है या वो है, वो उसकी कोई आपको जरूरत ही नहीं थी। लेकिन तहसीलदार जो है वो एक ही मतलब पर था कि नहीं जी मैंने ये तोड़ना है। क्यों आपने पूछा नहीं तोड़ना क्यों? हमने पूछा कि तोड़ना क्यों है भाई, बोला नहीं जी ये तोड़ना है मुझे, हमने बोला बात बताओ क्या है, लेकिन उसको पता नहीं क्या प्रेशर था ऐसा। उसके बाद मैंने जो हमारे ये कमिश्नर रहे हैं पंकज मगोत्रा जी, मैंने उनको 3 बार फोन लगाया, 4 बार फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और तहसीलदार को हमने बार बार कहा कि जी आप हमारे लिए इस मंदिर में हमारी सारी ये मोहल्ले वाले सारे जितने लोग यहाँ रोड पर चलते हैं उनकी यहाँ आस्था है, कोई आता है कोई 10 रुपए देता है, कोई 20 रुपए देता है, कोई 50 रुपए देता, तो उनकी आस्था है इस मंदिर में, तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन प्रशासन ने हमारी जो पब्लिक थी उसकी एक भी नहीं सुनी और ये मंदिर तोड़ दिया। और हमारा आज यही प्रोटेस्ट है कि इस मंदिर को जैसे तोड़ा गया है इसको दोबारा बनाया जाए, ये प्रशासन का काम है इसको दोबारा बनाया जाए ताकि लोगों की जो आस्था है इसमें रहे और लोग थोड़ा जी शांत हो जाए, नहीं तो यहाँ प्रोटेस्ट जो चलता रहेगा, रोड बंद रहेगा, पब्लिक ने पूरा थाना हुआ है कि हम ये रोड नहीं खोलेंगे। किसी तरह का प्रशासन आज तक यहाँ आया नहीं है, अभी तक JDA का फर्ज बनता था कि जहाँ आना था लोगों से बात करनी थी या कुछ ना कुछ होते, लेकिन कुछ नहीं किया। यानी आप कहते हैं, दूसरा ये भी कल भी जब मेरी बात हुई थी लोगों के साथ, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जिन अधिकारियों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसके दबाव में किसके प्रेशर में आकर ये सब कुछ किया गया। बिल्कुल होना चाहिए, मैं आज ऐसी बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन JDA जो है, JDA जहां लोगों से पैसे लेता है तो वो सब कुछ बनवा देता है, सब कुछ पैसे लेता है और सब कुछ बनवा देता है, लेकिन जो लोग उनको पैसे नहीं देते हैं उनका वो तोड़ने के लिए आ जाते हैं, ये कौन सा तरीका है? और सबसे बड़ी बात तो यही है, यही मैं वो बात बोल रहा हूँ कि जो 3 महीने यहाँ काम चला तो क्यों नहीं रोका गया हमें?
बैठकर हमारे साथ बात करते हैं, अगर उनको कोई रोड की जरूरत थी या कुछ। तस्वीरें मैंने देखी, उसमें डिप्टी मेयर यहाँ आए हुए हैं, श्यामलाल शर्मा यहाँ पर आए, अन्य कई लीडर यहाँ पर आए, वो सब जानते हैं इस मंदिर के बारे में। सबको पता, श्यामलाल जी जहाँ आए थे, डिप्टी मेयर हमारे बलदेव बलोरिया जी हैं, वो भी जहाँ आए थे। अभी जो यहाँ ये शिवरात्रि पर जो इसकी स्थापना हुई है, स्थापना में सभी लोग यहाँ आए थे। क्या जेडीए को उस वक्त पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है? जेडीए के अधिकारी खुद यहाँ प्रसाद लेकर गए हैं। कॉर्पोरेटर साहब जिंदाबाद। उनको नहीं पता था साहब जिंदाबाद। और आज सब आप मीडिया वाले यहाँ आए हो, आप देखो कि किस तरीके की यहाँ टाइल वगैरह सब कुछ लगा हुआ था और किस तरीके से इसको तोड़ा। क्या तो नया नया बन रहा था तो तोड़ देते थे, कोई हमें अफसोस नहीं था। ये आज देखो, आप खुद देखो। ये भी कहा जा रहा है कि अखंड ज्योत यहाँ पर जली हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चले पुजारी बेचारा बोल रहा था कि दारों के देखो सामान, म्यूनसिपैलिटी ने इनको 16-6 बैच दिए थे, 2 लाइटें हैं, सोलर बोर्ड दी हुई है। आखिर मंदिर में हमारी कोई आस्था थी तो हमने यहाँ सब भी किया, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। और ये सब भरपाई जो है ये जेडीए को करनी पड़ेगी यहाँ सारी की सारी। तो आपने सुन लिया कि जो यहाँ के इलाके और कॉरपोरेटर हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये सारी भरपाई जो है वो यहाँ पर जेडीए को करनी पड़ेगी। मेरे साथ एक और व्यक्ति, मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये कह रहे हैं कि सारी भरपाई जेडीए को। सर मैं एक चीज बताऊंगा, ये बहुत बड़ा पुराना प्राचीन मंदिर है। मेरे ख्याल से आपने भी, मेरे ख्याल इतने सालों से जब जम्मू में आप थे तो आप देख रहे हैं ये मंदिर, ये कई रिसेंटली नया नहीं बना है। बेसिकली बदकिस्मती से सैलाब आया, उसके कारण इसकी दीवार में क्रेक हो गया, निकल गई, उसका काम पैसे जमा करके इसको किया है, ठीक है ना। इतना प्राचीन मंदिर, इस बेल्ट में एमपी साहब रहते थे, मदन लाल जी भी इसी रोड से आते थे जाते थे। अगर ये इलीगल मंदिर होता तो इतने 32-40 साल से गवर्नमेंट कहाँ थी? ये फिर भी मैं बताता हूँ, ये जेडीए में मेंशन है, आप जेडीए का रिकॉर्ड खंगालो, 94-95 ये वहां पर मेंशन है। नंबर दूसरी बात, आपके सामने मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गवर्नर ने, जिसमें उसने आपको विजयपुर के मामले में बताया न कोई मंदिर न कोई मस्जिद न कोई गुरुद्वारा पर अटैक होगा। वो ऑथेंटिक, जब इतना हायर इंस्टीट्यूशन का बंदा बोलेगा, द वर्ड ऑफ द किंग इज द लॉ ऑफ द पीपल, अगर वो ये बोलेगा आपके मीडियम के सामने, आपके पास अभी सब कुछ रिकॉर्ड है, उसके बाद उसने बोला जो 5 मंडले 10 मंडले 15 मंडले 1 कनाल तक उनको कोई नहीं मारेगा, जिसने 300 कनाल 500 कनाल जमीन किया। उसके बाद मैं आप बताऊं, रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक अगर जेडीए वाला है वो मुझे बताए कि मुझे जेडीए के कमिश्नर ने ये आर्डर कॉपी दी है, ये है भाई, या डीसी मैडम ने ये आर्डर कॉपी दी है, ये है भाई, विदाउट आर्डर कॉपी, विदाउट कुछ नशा करके आना तो सीधा बुलडोजर चलाना। नंबर दूसरी बात, अगर हमारा गवर्नर साहब है, हमको प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, वो श्राइन बोर्ड के हेड है, नवरात्रों का उत्सव आपको पता है कि इसमें अखंड ज्योत का क्या महत्व होता है, उसके हुकूमत में, उसके दौर हुकूमत में एक अखंड ज्योत एक मंदिर में डिमालिश की जाएगी, उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमरीका जाएगा मगर व्रत नहीं तोड़ेगा, उसके दौरे हुकूमत में ये मंदिर तोड़ा जाएगा, मुझे बताओ क्या निकलेगा मंदिरों तोड़कर मस्जिदों तोड़ के? अगर आपको डिमालिश करनी, शराब के ठेकों के लिए आपको अथॉरिटी है, चरस खाने के लिए अथॉरिटी है, नाइयों की दुकानों पर अथॉरिटी है, मीडिया घुमा देखो इस लाइन में क्या है, इस मंदिर ने क्या किया? ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आप मेरी कसम है, जब पूछो इनको ये मंदिर कब का है, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें, ये लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें। जी जी। तब उसके बाद मेयर साहब ने बेचारे ने लाइटें लगवाई, ये जम्मू म्यूनिसिपलिटी का पैसा है, कुर्सियां दी, आज उन्होंने आया विदाउट, एक तहसीलदार का मतलब ये नहीं है कि वो विदाउट नोटिस दिखा के। उसके बाद हमारा ये पार्षद है, सीनियर सीट है, वोटों से चुना है, कल दोबारा हमने चुना है, जब इसकी बात भी नहीं मानेंगे हम जाएंगे किसके पास? मीडिया की बात नहीं मानेंगे जाएंगे किसके पास? न उधर रहने दूंगा न इधर रहने दूंगा, रहने कहां दे दूंगा, मुझे समझाया यार एक चीज, न आपकी बात मानेंगे न हमारी बात मानेंगे न किसकी बात मानेंगे, मानेंगे किसकी? बिल्कुल। तो आपने सुन लिया कि साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि तब तक यहाँ ये धरना नहीं हटेगा, ना ही यहाँ पर रोड ब्लॉक जो है वो खत्म किया जाएगा जब तक प्रशासन आता नहीं और इसकी भरपाई नहीं करता। ये आप देख सकते हैं, ये कल रात को सारा जेडीए ने डिमोलिश किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का परिसर है, जिस ये नई कंस्ट्रक्शन थी जो की गई थी, और जिस समय ये कंस्ट्रक्शन हुई उस समय यहाँ कोई नहीं आया, और जब मंदिर बन के तैयार हो गया उसके बाद आकर जेडीए ने यहाँ पर कल ये सब कुछ किया है। यहाँ जो लोग हैं आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारी यहाँ खड़े हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक प्रशासन यहाँ नहीं आएगा तब तक
हम यहां से ना तो ये रोड ब्लॉक हटाएंगे ना हम यहां से हटेंगे। और मांग इनकी साफ तौर पर यह कि जिन अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा इनकी मांग यह है कि मंदिर जैसा था वैसा बनाकर देना होगा जेडीए को।